नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में आज स्वर्ण आभूषण व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। इसी कड़ी की अगर बात करें तो पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के बाकरगंज के एक स्वर्ण व्यवसायी से दिनदहाड़े सड़क किनारे 10 लाख की रकम की लूट अज्ञात अपराधियों ने करते हुए इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस मामले की बाबत जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो, आइए सीधे सुनवाते हैं। इसी दिन में 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी गिरफ्तार हुए। ये कोड़ा गैंग है, आप सभी जानते हैं कि कटिहार जिला का जो कोड़ा है वहाँ से लोग निकलते हैं। इनका एक बहुत ही तिवारी गैंग है, बरौनी का तिवारी गैंग है, और ये वहाँ से निकलते हैं और चिंताई करते हैं, जो कि बैंक से जो लोग निकलते हैं उनका पीछा करते हैं। पहले तो बैंक में प्रयास करते हैं ब्लेड से कि उनको ध्यान भटका के ब्लेड से उनका जो बैग से उससे पैसा निकालने के लिए, और जब वहाँ पे कामयाब नहीं होते तो जिनके बाहर साथी होते हैं उनको बैंक के अंदर से सूचना देते हैं कि ये व्यक्ति इतना पैसा लेके जा रहा है, इसने ये कपड़ा पहना हुआ है, तो उसका फिर पीछा करके जहाँ पर भी उनको अवसर मिलता है वो उनका बैग छीनते हैं। तो इसी क्रम में कुल 6 लोग सचिवालय थाना से पकड़ाया गया है। इसको ये बरौनी थाना क्षेत्र जो बेगूसराय है उसका तिवारी टोला पड़ता है, वहाँ के सभी 6 लोग हैं। और इनके पास से इसके अलावा, क्योंकि देहर क्षेत्र के हैं, गांजा का भी ये लोग और स्मैक का भी कारोबार करते हैं, तो इनकी निशानदेही पे जो इनके आवासीय जहाँ पे ये लोग रेंट पे रोक रह रहे थे वहाँ पे जाके छापामारी किया गया, और भारी मात्रा में जो स्मैक का ये कारोबार करते हैं और स्थान यहाँ पे आके बेचते हैं उसको इनसे बरामद किया गया है। टोटल 6 अपराधकर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है सचिवालय थाना क्षेत्र से। सचिवालय थाना मुख्य सरगना इसमें कौन है? मुख्य सरगना एक 45 ईयर्स ओल्ड का नाम भूल रहे हैं उसका, वो हम आपको विज्ञप्ति में दे देंगे। संजय यादव तिवारी टोला बरौनी का, और बाकी सब भी तिवारी टोला पहले भी जेल जा चुका है, नालंदा से जेल जा चुका है, बेगूसराय से जेल जा चुका है, सभी कहीं ना कहीं से जेल जा चुके हैं। ये राजधानी में कहाँ कर रहे थे इन लोगों का डेरा? जो है एक तो सचिवालय थाना क्षेत्र में ही जो झुग्गी झोंपड़ी वाला एरिया है आर ब्लॉक के पीछे, वहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ था। और इसके अलावा ये अपने आप को फेरी वाला बताते हुए, कपड़े की फेरी वाला बताते हुए एक एक दो दो हफ्ते के लिए आपके विभिन्न एरिया रामकृष्ण नगर में वहाँ पे किराए पे मकान ले रहे थे, मुसल्लापुर हाट में मकान लेते थे, घटना करके तुरंत वहाँ से छोड़ के फिर नया। ऐसी बात है, जिस तरह से इस पूरे लूट मामले का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है, और इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो जो निकल कर सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है कि अपराधी कहीं ना कहीं अपनी मासूका को मकान बनाने के लिए और कई अपराधी अपने निजी कामों के लिए इस लूट की घटना को स्वर्ण व्यवसायी से अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने करते हुए 5 अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से 16,20,000 रुपया कैश की बरामदगी भी पटना पुलिस ने कर ली है। हालांकि इसमें एक अपराधी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसको कि पकड़ने के लिए पटना पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।